एक्सरसाइज 7.6 का क्वेश्चन नंबर 6 है हम लोग के सामने, यहाँ पे मैं आप लोग को दिखाता हूँ, ये है। और इसमें क्या कह रहा है, ये वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ है, ए पीस ऑफ वायर 7x8 मीटर लॉन्ग ब्रॉक इंटू टू पीस, एक तार जो कि इतना मीटर लंबा है उसको दो टुकड़े में बांट दिया गया। वन पीस वाज 1x4 मीटर लॉन्ग, तो एक टुकड़ा जो है उसका 1x4 मीटर हो गया था, और तो इसका मतलब है कि दूसरा टुकड़ा क्या होगा, टोटल लेंथ इतना है, एक टुकड़ा इतना, तो दूसरा टुकड़ा कितना, तो हमको इससे अगर इसको माइनस कर देते हैं तो इसका आंसर मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। लेंथ ऑफ ए पीस ऑफ वायर इक्वल टू 7x8 मीटर है, तो वन टुकड़ा, एक टूटा हुआ टुकड़ा, वन ब्रोकन पीस इक्वल टू कितना लंबा है, 1x4 मीटर। तो फिर दूसरा टुकड़ा क्या हो जाएगा, दूसरा टूटा हुआ टुकड़ा अदर इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, 7x8 माइनस 1x4, तो आंसर हम लोग को मिल जाएगा। इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, एलसीएम इसका 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग 8 ले लेते हैं, और यहाँ पे 8 से 8 को डिवाइड करेंगे, 1 बार में जाएगा, उस 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 × 7 हो गया, फिर माइनस देंगे, और 8 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 × 2 = 8 हो गया, 2 बार में जा रहा है, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 1 = 2, तो कितना हो गया, 7 में से 2 गया, तो 5x8, ये कटने वाला है नहीं, मतलब दूसरा ब्रोकन पीस वायर का लेंथ इतना हो जाएगा 5x8 मीटर, और यही इसका आंसर हो जाएगा। कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। एक्सरसाइज 7.6 का क्वेश्चन नंबर 7 है हम लोग के सामने, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ये है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, नंदनीज हाउस इज 9x10 किलोमीटर फ्रॉम हर स्कूल, नंदनी का स्कूल उसके घर से इतना दूर है। सी वॉक्ड सम डिस्टेंस एंड देन टुक ए बस फॉर 1x2 किलोमीटर टू रीच द स्कूल, हाउ फार डिड सी वॉक, तो वो क्या करती है, कुछ दूर पैदल चलती है, और उसके बाद वो बस ले लेती है, बस में चढ़ती है, और 1x2 किलोमीटर वो बस से कवर करती है डिस्टेंस, तो फिर वो कितना दूर पैदल चलती है, तो यहाँ ये टोटल लेंथ है, इतना बस से कवर करती है, इसका मतलब है कि इससे इसको अगर माइनस कर देते हैं तो वो जो पैदल चलती है उसका हमको डिस्टेंस मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 7, हाउस डिस्टेंस, यहाँ पे लिख लेते हैं हाउस स्कूल, कितना डिस्टेंस था, 9x10 किलोमीटर, इतना डिस्टेंस था। इसके बाद हम लोग लिख लेते हैं वो बस से कितना कवर करती है, सी कवर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1x2 किलोमीटर बस, तो फिर वो पैदल कितना चली, सी वॉक्ड ऑन फुट, पैदल कितना चली, तो इसका क्या हो जाएगा, इसमें से हम 9x10 माइनस 1x2 करते हैं तो हमको इसका आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे 10 और 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा, छोटा नंबर का टेबल में बड़ा नंबर आ जाए तो बड़ा नंबर ही एलसीएम होता है, तो यहाँ पे 10 ले लेते हैं, 10 हो गया, इसके बाद जो है 10 से 10 को डिवाइड करेंगे 1 बार में जाएगा, तो 1 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 × 9 हो गया, माइनस हो गया, और 10 को 2 से डिवाइड करेंगे 5 बार में जाएगा, 2 × 5 = 10, तो 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 1 = 5, 9 में से 5 जाएगा तो 4 बची है, 4x10, तो ये कट सकता है, इसको काट देते हैं, 4 और ये 2 से कटेगा, 2×2 = 4 हो गया, और यहाँ पे 2 से कटेगा, 2×5 = 10, तो इक्वल टू कितना आ गया, 2x5 किलोमीटर, यही आंसर हो जाएगा, 2x5 किलोमीटर। कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 7, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।